अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे। जी तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो वेजेस, जिसके लिए हमने 6 आलू लिए हैं और इनको इस तरह से काट लेंगे। इसका साइज़ कोई भी हो सकता है, आलू बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी। और इसमें आपने छिलके नहीं उतारने इसके, और हर आलू के आपने 8 पीसेस कर लेने हैं, और उसके बाद इनको काट कर हम पानी में डिप कर लेंगे। पानी में डिप करने की एक वजह तो ये है कि ये वैसे तो हमने धोया हुआ है इनको, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, लेकिन एक वजह तो ये होगी कि पानी में मज़ीद ये अच्छी तरह से धुल जाएंगे, और दूसरा ये कि इनमें जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और आलू जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये हमने एक बर्तन में काफ़ी सारा पानी रख दिया है और इसका हमने चूल्हा ऑन कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून जो है वो नमक डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें ये अपने जो हमारे पोटैटो चॉप किए हुए हैं ये सारे इसमें डाल देंगे। और चूल्हा हम उसी टाइम चलाएंगे जब हमने इसमें पोटैटो डालने होंगे, पहले से पानी को बॉयल नहीं करेंगे। ये हम अपने सारे जो हमारे पोटैटोज हैं ये हम इसमें डाल देंगे, पहले से पानी को बॉयल नहीं करेंगे, वरना आपके जो पोटैटो हैं वो ठीक से बॉयल नहीं होंगे क्योंकि पानी ऑलरेडी उबल रहा होगा। ये हमने इसमें डाल दिए अपने वेजेस, पोटैटोज डाल दिए, और इनको ऐसे करके मिक्स कर देंगे और इनको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। हमने 80% तक इनको पकाना है, उसके बाद हम इनका बैटर तैयार करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पोटैटो वेजेस के लिए अपना जो हमारा बैटर है वो प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हमें ये चाहिए, ये 1/2 कप कॉर्नफ्लोर है, कॉर्न स्टार्च या अरारोट जिसको आप कहते हैं, ये हमने 1/2 कप लिया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैदा, और इसके अलावा हम इसमें 1 टेबलस्पून ये हमने लिया है ऑयल। ऑयल का फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा जो वेजेस हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। जी तो ये हमारे पास हैं स्पाइसेस हैं, ड्राई स्पाइसेस हैं, इनमें है हमारे पास सॉल्ट है 1 टीस्पून है, ये आपके सामने 1 टीस्पून, ये रेड चिली पाउडर है ये 1/2 टीस्पून है, ये 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, और ये 1 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला, और ये हमारे पास 1/2 टीस्पून है चिली फ्लेक्स या दादर मिर्चें या अदकटी कुटी मिर्चें। इसके लिए हम अब ये सारे मसाला जात जो हैं ये इसमें डाल देंगे, ये ड्राई मसाले हैं हमारे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये हमने जो आपको बताया था, चीज़ें बताई थी, जो इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए थे और उसमें हमने पानी डाल के, ये देखें इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये थिक नहीं होना चाहिए। अगर ये थिक होगा तो आपके पोटैटो वेजेस जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हम अपने पोटैटो देख लेते हैं कि ये हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं 80% तक या नहीं। जी बिल्कुल, ये हमारा नाइफ, हमारा ये जो फोक है इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये हो चुके हैं। अब इनको हम स्ट्रेन करके एक बाउल में निकाल लेंगे। इन सारे पोटैटोस को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इनको ठंडा होने तक हम इसका बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब हम अपने पोटैटोस को फ्राई करेंगे अपने बैटर में डिप करके, एक एक करके इनको फ्राई करते जाएंगे। उसके लिए हमने ये एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, और ये ऑयल बहुत ज़्यादा हम गरम नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल टेम्परेचर होगा होना चाहिए इसका, वरना आपके जो वेजेस हैं वो उनका कलर डार्क हो जाएगा। ये हम इसमें डिप करेंगे 1 by 1, और इसको हम ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखें ऑयल बिल्कुल नॉर्मल है,
इसलिए ये बहुत जोर से शोर नहीं कर रहा। ये हम वन बाय वन करके अपना सारे जो हमारे पोटैटोज हैं, चॉप्ड हैं, बॉइल्ड हैं, बैटर से बड़े मजे मजे की खुशबूएं आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इकट्ठे भी ये सारे पोटैटोज बैटर में डाल के रख सकते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि वो फिर ज्यादा अच्छे से नहीं बनते और सारा जो पानी है इसका पोटैटो का वो भी बीच में आ जाता है और बैटर और थिन हो जाता है। इसलिए हम इसको एक एक करके डालेंगे और इसको हम ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से ये होगा ये आपस में चिपक जाएंगे और इनका जो क्रिस्पी पन है वो कम हो जाएगा। ये हम अपना पहला बैच अभी डाल रहे हैं, हम इनको चाहे 2-3 बैचेस में डाल सकते हैं, इतने ही हम डालेंगे। यहाँ पे जगह है तो हम एक और डाल लेंगे और इनको 3-4 मिनट हम इनको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, ये फ्राई हो जाएंगे। इनको मीडियम हीट पर हम रखेंगे, फ्लेम इनका मीडियम रखेंगे और 3-4 मिनट इनको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, इनको पकने देंगे और उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार यमी पोटैटो वेजेस जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और आप देखिएगा जब मैं इसको प्लेट में डालूंगी तो इसमें कितनी क्रिस्पी सी आवाज़ आएगी, इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा। और बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ ही आनी चाहिए, इससे आपको पता चल रहा है ना कि ये कितने मज़ेदार और क्रिस्पी हैं। ये पोटैटो तो बहुत नॉटी है, भागता ही जा रहा है। इसको हम स्टेन करके ये देखिए जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्रिस्पी ज़बरदस्त गर्मा गर्म पोटैटो वेजेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया और ये हमारे पास है चाट मसाला, ये इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए जितना पसंद करें, अगर आप बच्चों ने खाना है तो चूंकि हमने इसकी वेजेस के मसाला में जो हमने इसकी तैयार किया था उसमें हमने पहले से ही नमक मिर्च डाली ही है और बच्चों के लिए वो काफ़ी है, अगर बच्चे खाना चाहें तो उनको आप सिंपल दे सकते हैं, अदरवाइज बड़ों के लिए ये बहुत ही चटपटा और मज़ेदार ये वेजेस रेडी हैं। इनको हम डिश आउट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारी यमी पोटैटो वेजेस की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।